हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप आज हम करेंगे जो कक्षा 10 की जो मॉड्यूल वाली पुस्तक दी है विज्ञान की, उसके हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, क्योंकि आपको जो प्रश्न मिले हैं वो खाली प्रश्न ही प्रश्न है, उसके उत्तर नहीं है। तो अगर आपको उसके उत्तर मिल जाते हैं तो आप उसके उत्तर लिखकर आराम से उन्हें याद कर सकते हैं, क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ आपको उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना पड़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो प्रश्नों के उत्तर यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। ठीक है, एक एक प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिएगा और अपने जो नोटबुक है आपकी उसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, तो किसी किसी बच्चे को ये मिला है और किसी किसी बच्चे को नहीं भी मिला। ठीक, तो जो उन्हें लगते हैं बच्चे कि थोड़े ये पढ़ने में थोड़े से कमज़ोर हैं, उन्हें ये दी गई है, लेकिन ये 100% बच्चों इसी में से ही आएगा। ठीक, तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप इसी को ही कर लेंगे तो आराम से ये आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ना ये प्रश्न दिया हमें, ओटी वाले प्रश्न दिए, तो इसके उत्तर यहाँ पे हमें दिए हैं। तो पहले का सा है, दूसरे का बा है, और तीसरे का दा है, और चौथे का सा है, और पांचवे का सा है, और छठवे का सा है, और सातवे का भी बा है। ठीक है, इस तरीके से आप इन प्रश्नों के उत्तरों को कर सकते हैं। ठीक है, ओटी वाले प्रश्न है, ये आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 2 है, उसका उत्तर हम देख सकते हैं बच्चों के पहले वाले जो उसमें रिक्त स्थान में आएगा वो आएगा आयरन ऑक्साइड, दूसरे में आएगा मिश्र धातु, और तीसरे में आएगा सक्रियता श्रेणी। ठीक, अब जो आपको है ना सही जोड़ी वाले उत्तर हैं, तो वो पहले को आप दा से मिला लीजिएगा, जैसे कि ना पहले का ये दा हो जाएगा। ठीक, दूसरे का आ हो जाएगा, तो इसे आप आ से मिला लीजिएगा। तीसरे का सोडियम है, तो इसे बा से मिला लीजिएगा, तो इसे बा से मिला लिया हमने। और चौथे का हम इससे मिला लेते हैं, सात से। ठीक, तो इस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिएगा, ये सोल्यूशन भी आपको वहीं से दिया गया है, बोर्ड के द्वारा ही है, तो इसमें गलती होने के कम ही चांस हैं। ठीक, तो अब ये बच्चों एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो पहले वाले का जो उत्तर है वो है मरकरी, दूसरे का सोडियम पोटेशियम, और 3:3:1 ये तीसरे का हो जाएगा, चौथे का मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण। ठीक है, और पांचवे का पारा व चांदी का मिश्रण। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अब ये सत्य असत्य वाले प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ से देख कर लीजिएगा, जो आपका पहला है उसको सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, और चौथा असत्य, और पाँचवा असत्य है, सॉरी सत्य है। ठीक, इसे भी देख कर आप कर लीजिएगा। अब ये बच्चों 2 अंक वाले प्रश्न हैं, इसे आप वीडियो रोक रोक कर इन प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिएगा, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक, हर एक प्रश्न को मैं थोड़ी थोड़ी देर रोक देता हूँ, जिससे आप उन्हें अच्छे से लिख पाएँ। ठीक है, और वीडियो को रोक लीजिएगा, वीडियो को रोक के उस प्रश्न के उत्तर को लिख लीजिएगा और आराम से उसे याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ये तीसरा प्रश्न हो गया, चौथा हो गया। अगर आपको कोई वीडियो में दिक्कत आती है तो कमेंट में आप बता सकते हैं मुझे कि ये प्रॉब्लम है सर, आप इसे सुधार लीजिए, तो मैं उसे सुधार के आपको और अच्छे से अगली वीडियो बना के दे दूंगा। तो आप इस चैनल को बच्चों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और आप अच्छे से इसे कर पाएँ। ठीक है, और इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इस वीडियो को पूरे देख सकते हैं, और भी जो सब्जेक्ट हैं उन्हें भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये 3 अंक वाले आ गए प्रश्न, तो ये पहला दूसरा कर लीजिएगा, ये चौथा है 4 अंक वाला। ठीक है, तो ये इसका है। ठीक है, इसे भी आप लिख लीजिएगा। हाँ, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ, तो आप अच्छे से इसे कर लीजिएगा। ठीक, और वीडियो को रुक रुक कर लिख लीजिएगा इसे। हाँ, और पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर लाइएगा, आपको पेपर के लिए शुभकामनाएं। हाँ, पेपर भी आपके नज़दीक है, पेपर भी आने वाले हैं, तो आप पेपर की अच्छे से तैयारी करिएगा और हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करिएगा। तो बच्चों, इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।